कैसे हो प्यारे साथियों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो और हिंदी मीडियम से हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपके जितने भी ग्रुप हैं उनमें ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको सी सेट में प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स, UPSC 2020 के नतीजे जो है जारी कर दिए गए हैं, कट ऑफ भी आ गए हैं और प्री की मार्कशीट भी आ गई हैं। दोस्तों, प्री की मार्कशीट देखने पर ये बिल्कुल महसूस हो रहा है कि इस बार जो है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सी सेट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा जो है फेल हुए हैं। GS के पेपर में दोस्तों स्टूडेंटों ने अच्छा स्कोर किया है, यहाँ तक कि 140 यानी कि 70% तक जो है स्कोर किया है, जबकि कट ऑफ जो है 46% था। लेकिन दोस्तों, सी सेट के पेपर को स्टूडेंट हल्के में लेकर जो है बहुत ही बड़ा जो है जोखिम उठा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, UPSC भी दिनों दिन जो है सी सेट के पेपर को जो है डिफ़िकल्ट करता जा रहा है। सी सेट के पेपर में फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो में दोस्तों मैं जो कॉम्प्रिहेंसन आता है, अनुपरिच्छेद आता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आपको जो है बताने वाला हूँ। एक शब्द है दोस्तों जो परिच्छेद वाले क्वेश्चनों में आता है, उससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आपने एक शब्द देखा होगा परिच्छेद या रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसन वाले क्वेश्चन में आता है, अनुगत, जिसको दोस्तों इंग्लिश में इन्फर बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसन सॉल्व करने से पहले यूपी सी सेट के पेपर में रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसन में जो शब्द पूछे जा शब्द यूज किए जाते हैं, उनका जो है आपको मतलब पता होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको उनका मतलब पता नहीं है तो आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, अनुगत, जिसको इंग्लिश में इन्फर बोलते हैं, इसका में दोस्तों जब भी क्वेश्चन आए, ये शब्द आए रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में, तो देखिए इसका जो मतलब है दोस्तों, एक टाइप से जो है अनुमान होता है। यानी कि फ्रेंड, कहने का मतलब ये है, आपको कोई पैराग्राफ दिया है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको जो है राय बनानी है, यानी कि आपको रिजल्ट तक जो है पहुंचना है। वो जो क्वेश्चन करें उसके आपको इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है रिजल्ट तक पहुंचना है, यानी कि आपको सूचनाओं को समझकर जो भी डेटा दिया है आपको जो है आंसर देना है, राय बनानी है। दोस्तों, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो और आपने दोस्तों एक व्यक्ति देखा जो माथे पर तिलक लगाए हुए हैं और पैरों में खड़ाऊ पहने हुए हैं और जो है गेरुए कलर के जो है वस्त्र पहने हुए हैं, और फ्रेंड इस प्रकार से उसकी वेशभूषा है। अब आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, अब दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर यदि आपसे पूछे क्या ये व्यक्ति जो है पुजारी है, क्या ये व्यक्ति जो है टीचर है, क्या ये व्यक्ति जो है, या और कोई ऑप्शन दे दिया कि ये व्यक्ति दुकानदार है, तो दोस्तों आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके आधार पे जो है ये व्यक्ति पुजारी होने के चांस जो है। तो फ्रेंड्स, आपको अनुमान लगा, ये शब्द जब भी आए अनुगत, तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके आधार पर आपको अपनी राय बनानी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको अनुगत जो शब्द है सी सेट के पेपर में जिसका यूज किया जाता है उसके बारे में बताया है। और भी वीडियो हम लाते रहेंगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया